पद्मावत से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद कर रही है। कुछ देर पहले ही फिल्म पद्मावत के पहले दिन के आंकड़े आए हैं, जिसके बाद ये साबित भी हो गया है कि दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करके ही सिनेमा घरों से उतरेगी। फिल्म ने पहले दिन 19 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई के साथ शुरुआत करके 2018 की सबसे बड़ी ओपनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही अब ये रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। हालांकि ये तीनों रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली पद्मावत दीपिका पादुकोण की सबसे बड़ी ओपनर का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। भले पद्मावत की पहले दिन की कमाई ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी, लेकिन दीपिका को इस बात का मलाल रहेगा कि उनकी ये फिल्म भी हैप्पी न्यू ईयर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। साल 2014 की दिवाली पर रिलीज हुई शाहरुख खान, सोनू सूद, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और बोमन ईरानी की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने अपने पहले दिन 44.97 करोड़ की कमाई की थी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख का ये रिकॉर्ड कब तक कायम रहता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।